नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारे भत्ता मांग सकती है। इसके लिए महिलाएं CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। महाराष्ट्र में पुणे के वर्ली में हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस पर इस मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता के अलावा शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी को बचाया जा रहा है। सनातन धर्म संस्कृति की छवि धूमिल करने वाले पाखंडी और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मंगलवार को संत समाज ने एकजुटता दिखाई। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में दिल्ली संत महामंडल के बैनर तले हुई बैठक में जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा समेत कई मठों के महामंडलेश्वर महंतों ने सनातन धर्म की रक्षा और समाज के मार्गदर्शन के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करना। उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए, लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही प्रदेश में 30,837 लेखपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिल्ली समेत पूरी NCR में मंगलवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन साथ ही कई लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद समेत फरीदाबाद में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। ये मानसून की दिल्ली में दूसरी बारिश है। राजधानी में सोमवार को हुई हल्की बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिर गया है। फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकार की होगी और वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रवर्तन निदेशालय ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ED द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो एजेंसी को उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ED ने किस आधार पर यह कदम उठाया इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भारत की पूर्व सलामी बल्लेबाज और कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल अपने मैचिंग में चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर को BCCI ने टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। गंभीर के कोच बनते ही सोशल मीडिया पर उन्हें हर कोई बधाई संदेश दे रहा। गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जो हाल ही में टीम इंडिया को T20 चैंपियन बनाने के बाद पद से हट गए। अब गंभीर को इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। सोशल मीडिया पर उनके पूर्व साथी खिलाड़ियों से लेकर उनके पूर्व फ्रेंचाइजी ने बधाई दी है। बिग बॉस OTT 3 में विशाल, कृतिका और अरमान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यूट्यूबर कृतिका मलिक विशाल पांडे से दूरी बनती हुई दिखाई दे रही। हाल ही में अरमान की पहली पत्नी पायल ने विशाल पर आरोप लगाया था कि विशाल ने कृतिका के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की। अब कृतिका ने खुलासा किया है कि उन्होंने विशाल की वजह से घर में लो नेकलाइन के कपड़े पहनने से परहेज कर ली है। रूस के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने 1 दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर शालेन बर्ड्स ने PM मोदी का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल रिजर्ट कार्टन पहुंचे। वहां ऑस्ट्रेलिया कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। PM मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले कलाकारों ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने इसे एक अभूतपूर्व अनुभव और एक बड़ा सम्मान बताया। PM मोदी ने भी इस प्रदर्शन का विजन साझा किया है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।